और ये व्रत पति पत्नी के लिए बहुत ही लाभकारी होता है, मनचाहा फल देता है। कर पाओगी? जरूर करूंगी माँ। मोर पता है मेरा भी बहुत मन था, पर अब आपने भी कह दिया है। मंगल लक्ष्मी सीरियल के आने वाले एपिसोड में हमें काफी ज्यादा एक्साइटिंग ट्रैक देखने को मिलने वाला है। जी हाँ, यहाँ पर हम देख रहे थे कि भाई किस तरह से मंगल के पैरों में चोट लग जाती है, जिस वजह से वो ईशाना के साथ अब स्कूल में डांस नहीं कर पाएगी। और यहाँ पर एक नया प्रोमो सामने आ रहा है जहाँ पर हम देख रहे हैं कि भाई अदित जो है वो ईशाना को ढूंढता है पढ़ाने के लिए, लेकिन भाई ईशाना उसे घर पर नहीं मिलती, जिसकी वजह से वो मंगल से सवाल करता है और उसे पता चलता है कि भाई ईशाना जो है मैं कर लूंगी, बस मुझे बताइए दिए कहाँ से लाने हैं, वो भी ले आऊंगी। दिए लाने नहीं है, दिए बनाने हैं, वो भी अपने घर में पूरी श्रद्धा के साथ। बना पाओगी? जरूर माँ, बिल्कुल बना लूंगी। अपने फ्रेंड्स के घर पर गई है प्रोजेक्ट बनाने के लिए, और यहाँ पर अदित जो है इस बात को सुनकर काफी ज्यादा भड़क उठता है हमारी मंगल पर। हमेशा की तरह इस बार भी यहाँ पर अदित जो है हमारी मंगल को खरी खोटी सुनाते हुए नजर आता है, और वो सारा इल्जाम जो है हमारी मंगल पर डालता है और कहता है कि तुम लोगों ने उसे बहुत सर पर चढ़ा लिया, उसे बहुत छूट दे दी है। और देखो, इसलिए पूछ रही हूँ क्योंकि ये व्रत बहुत ही मुश्किल है, साधना में कोई कमी नहीं होनी चाहिए। वैसे ये सावन का मास बहुत ही शुभ माना जाता है, लेकिन हाँ जरा से भी भूल या कोई गलती हो जाए। इतना डांस करवा रही हो, आखिर पढ़ाई का क्या होगा? तो ये सब वो काफी कुछ सुनाता है यहाँ पर मंगल को। तो इसी बीच एक और नया प्रोमो सामने आ रहा है जहाँ पर हम देखने वाले कि भाई यहाँ पर अदित जो है बेहोश होने वाला है। जी हाँ, यहाँ पर हम देखते हैं कि भाई अदित जो है वो बेहोश हो जाता है, और हम देख रहे हैं कि भाई जब से हमारी मंगल मैडम के पैरों में चोट लगी है तो बुरा संकेत माना जाता है। माँ मैं पूरा ध्यान रखूंगी कि सावन सोमवार का व्रत मैं पूरी श्रद्धा के साथ निभाऊं। आप बिल्कुल चिंता मत करिए, बहुत मायने रखता है। तब से अदित की हालत जो है वो पस्त हो चुकी है। जी हाँ, अभी उसे सारा काम खुद करना पड़ रहा है, उसे ढंग का खाना नहीं मिल रहा, कॉफी नहीं मिल रही, तो अभी उसे कहीं ना कहीं मंगल की वैल्यू भी समझ में आ रही है, लेकिन वो तो अपने मुंह से कहेगा नहीं। इस वजह से अभी भी इतनी चोट लगने के बाद भी यहाँ पर अदित जो है सारा ब्लेम मंगल पर डालता है और कहता है कि तुम्हारे इस टूटे पैर की वजह से हमें इतनी सारी दिक्कतें आ रही हैं। लक्ष्मी ने आपसे वादा किया है और वो अपनी जुबान की पक्की है, देखेगा वो आपकी उम्मीद से बेहतर काम करेगी। वादे तो किए ही जाते हैं तोड़ने के लिए, देखती हूँ वादा कैसे पूरा करती है। वही हम प्रोमो में देखते हैं कि भाई अदित जो है बेहोश होने वाला है। जी हाँ, बिल्कुल सही सुना आपने, एपिसोड में हम देखते हैं कि भाई वो खड़े खड़े बेहोश हो जाता है, और यहाँ पर मंगल जो है पैर में चोट लगने के बावजूद अपने पति को बचा लेगी। जी हाँ, हम देखेंगे कि किस तरह से टूटे पैर के साथ हमारी मंगल जो है वो फर्स्ट एड बॉक्स लेकर आएगी और तुरंत ही दवा देगी अपने पति अदित को, और इस बार वो अदित की जान बचा लेगी। लेकिन भाई हमेशा की तरह इस बार भी अदित सारा का सारा ब्लेम मंगल पर डालेगा और कहेगा कि तुम्हारी वजह से मेरा बीपी हाई हो गया था, जिसकी वजह से मैं बेहोश हो गया। और इसी के साथ आपको बता दूं कि भाई बहुत जल्द यहाँ पर अदित जो है ईशाना को हमेशा हमेशा के लिए हॉस्टल भेजने वाला है, और ये बात घर वालों को बिल्कुल भी पता नहीं होगी। जी हाँ, यहाँ पर हम देखेंगे कि भाई अदित ने गुस्से में आकर ईशाना को भेज दिया है हॉस्टल, और ये बात जो है मंगल और उसकी माँ को नहीं पता, और इस बार हम देखने वाले कि भाई मंगल का रौद्र रूप सामने आएगा। जी हाँ, यहाँ पर मंगल जो है इस बार अदित से काफी ज्यादा नाराज हो जाएगी, लेकिन आने वाले एपिसोड में देखना दिलचस्प होगा कि क्या इस बार मंगल अपनी बेटी ईशाना को घर वापस लेकर आएगी या नहीं।